हम लगभग 150 से ऊपर सीट जीते। मुझे लगता है कि 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भोपाल से लेकर दिल्ली तक एक चर्चा है कि इंदौर से मुख्यमंत्री तय होगा, इंदौर की विधानसभा 1 से। दिल्ली तय करेगी, विधायक दल तय करेगा और जिसको भी तय करेगा वो मुख्यमंत्री होगा, पर होगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। किस तरह से देख रहे हैं चुनावी मुकाबला जो रहा है, खासतौर पर मालवा और निमाड़ में आपने बहुत पसीना बहाया, मध्य प्रदेश में लगातार सघन दौरे किए हैं, जो सुबह से रुझान आ रहा है, उत्साह की एक लहर दिखाई दे रही है मतदाताओं में? मुझे लगता है कि जनता ने तय कर लिया कि एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में बनाए और जो विकास का रथ चल रहा है इसकी गति और तेज हो, यह अपेक्षा है जनता की। एक प्रेशर पॉलिटिक्स का सीन भी दिखाई दिया, कई विधानसभाओं में आमने सामने हुए बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता, थाने पर बल बुलाना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, राव विधानसभा का नजारा दिखाई। ये फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस का, कांग्रेस हार रही है और इसीलिए उनके नेता लोग भी बयान दे रहे हैं। अभी कमलनाथ जी ने बयान दिया कि रात भर शराब बटी, पैसे बटे, प्रशासन भी उनका साथ में था, इसका मतलब है कि उन्होंने हार मान ली। 2 दिन पहले दिग्विजय सिंह ने कहा कि वही ईवीएम, बेचारा गरीब वही है, कर्नाटक में जीतते हैं तो ईवीएम बहुत अच्छा होता है, हिमाचल प्रदेश में जीतते हैं तो ईवीएम बहुत अच्छा होता है, मध्य प्रदेश में हार रहे हैं तो पहले से उन्होंने कह दिया कि ईवीएम में गड़बड़ है। तो ये तो फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बना रही है। जी, प्रदेश के सारे दिग्गज मतदान के पूर्व आज भगवान की शरण में नजर आ रहे हैं, कल कमलनाथ जी भी पूजा करते नजर आ रहे हैं। देखिए, ये तो हमारी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है और इसलिए आज कर रहे हैं ऐसा नहीं है। हम चुनावी हिंदू नहीं है, वो लोग चुनावी हिंदू है, चुनाव के वक्त उनको हिंदू याद आता है, चुनाव के वक्त उनको जनेऊ याद आती है, चुनाव के वक्त उनको गोल टोपी आ जाती है। हम तो हमेशा एक सरी का जो जीवन जीते वही जी रहे हैं, प्रतिदिन भगवान की आराधना करते हैं, वैसी आराधना करके अभी निकले। कैलाश जी और रमेश जी इस बार कोई नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं? बनेगा रिकॉर्ड, मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बनेगा, इंदौर के 9 की 9 सीट जीतेंगे और काफी अच्छे मतों से जीतेंगे।